नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप एक सफल पशुपालक या सफल डेयरी फार्मर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आज ये वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे कि पशु जो है वो हीट में जब आता है तो कौन कौन से लक्षण दिखाता है या फिर आप उसकी पहचान जो है वो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक सफल पशुपालक बनने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपका पशु टाइम पे ज्ञापिन हो जाए, और टाइम पे पशु को ज्ञापिन करवाने के लिए वो हीट में कब आता है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो हीट डिटेक्ट करना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे आम तौर पे आप सभी को पता होता है कि जब पशु हीट में आता है तो बोलने लगता है, भागने लगता है या डिस्चार्ज देने लगता है। तो ये 2-3 लक्षण तो हमें पता होते हैं, पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पूरे 10 लक्षण। जी हाँ दोस्तों, पूरे 10 लक्षण के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपने पशु की पहचान कर सकते हैं कि वो हीट में है या नहीं। तो आइए देखते हैं कि पहला लक्षण कौन सा है। तो पहला तो है कि भैंस जो है, ये मैं ज़्यादातर ये वीडियो जो मैं ये बनाने वाला हूँ, ये वीडियो पूरा जो है उसमें 10-10 लक्षण जो है वो कुछ कुछ गाय में भी देखने को मिलते हैं, पर ये मैं भैंस को ध्यान में रख के ये मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। गाय के लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो भैंस का ये पहला लक्षण देखिए कि भैंस जो है वो पाउस करने लगेगी, डोका देने लगेगी, यानी कि उसके थनों में जो है ना वो दूध आएगा। जब आप मिल्किंग करने बैठते हैं तब जैसे वो दूध आ जाता है वैसे ही, या फिर मिल्किंग करने के बाद जो है वो उसके थनों में दूध आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो डोका जो है वो करने लगेगी, बेवक्त डोका करने लगेगी। तो इससे आपको पता लग सकता है कि वो अब हीट में आने वाली है। जी हाँ, ये स्टार्टिंग के लक्षण है ये। आप और आगे इस वीडियो में मैं आपको वो पूरी टाइमलाइन दिखाऊंगा। हीट है ना दोस्तों, आप हमको लगता है कि हीट जो है वो 12 घंटे या 2 दिन तक रहती है, पर पूरे 5 दिन की वो साइकिल होती है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो पूरी साइकिल समझाने वाला हूँ कि 5 दिन में कौन कौन से लक्षण दिखाती है और उन 5 दिन में से हमारे पास AI करवाने के लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक बगैर स्किप करें ज़रूर देखें। अब दूसरे लक्षण की बात करते हैं, वो बोलने लगेगी। हम सबको पता है जब हीट में आती है तो पशु जो है वो बोलने लगता है, रांपने लगता है। तीसरा लक्षण है कि वो भागेगी और दूसरे पशु के ऊपर चढ़ेगी। अगर आपका पशु खुला है, यानी कि भैंस जो है वो खुली है, तो वो दूसरे पशु के ऊपर जो है वो चढ़ने लगती है और चारों ओर भागने लगती है। अब चौथा लक्षण है वो डिस्चार्ज देगी। अब यहाँ पे दोस्तों, डिस्चार्ज 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है वाइट डिस्चार्ज, यानी कि दही जैसा डिस्चार्ज जो है वो देखने को मिलता है, और दूसरा होता है पारदर्शक डिस्चार्ज, यानी कि जब वो ज़मीन पे वो डिस्चार्ज गिरता है ना तो ज़मीन हमें आर पार दिखाई दे, उतना पारदर्शक यानी कि एकदम पानी जैसा डिस्चार्ज वो देखने को मिलता है। तो ये दोनों डिस्चार्ज किस वक्त देगी, जैसा कि मैंने बताया कि 5 दिन की पूरी उसकी हीट साइकिल होती है, तो उसमें से शुरुआत में देगी, बाद में देगी, किस दिन कौन सा डिस्चार्ज देगी वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और वही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, पर आपको पहचानना होगा कि वाइट डिस्चार्ज कौन सा है और ये ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज जो है वो कौन सा है। तो 5वां लक्षण देखते हैं कि पूँछ ऊपर उठा के रखेगी। पशु जो है जब हीट में आता है ना, तो उसकी डांडी से, यानी कि जिस जगह से पूंछ उसकी बॉडी के साथ अटैच होती है, उस जगह से पूंछ थोड़ी सी जो है वो ऊपर उठा के रखती है। जैसे कि जब वो पेशाब करती है और पूंछ ऊपर उठाती है, वैसे ही थोड़ा सा पूंछ वो है वो पूरा दिन या फिर कभी कभार उसकी पूंछ जो है वो आपको ऊपर उठी देखने को मिल जाएगी। अब 6ठा लक्षण है, खाना कम करेगी। पशु जो है वो उतना चाव से नहीं खाता जितना वो हीट में नहीं होता है तब खाता है। 7वां लक्षण है, मिल्क कम कर देगी, या आधे से 1 लीटर तक उसका जो है वो मिल्क जो है वो कम हो जाता है। तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि वो पशु हीट में है या नहीं। अब 8वां लक्षण हम देखें तो पेशाब सूंघने लगेगी। देखिए, ये पशु को आदत भी होती है कभी कभार, पर ज़्यादातर ये तभी करते हैं जब वो हीट में आने वाले होते हैं या फिर हीट में होते हैं। अब 9वां लक्षण है कि वो बार बार पेशाब करेगी। जी हाँ दोस्तों, पशु नॉर्मली जितनी बार पेशाब दिन में करता है उससे ज़्यादा बार ये जो है वो आपको पशु पेशाब करता दिखाई देगा। और 10वां लक्षण, जो आखिरी लक्षण है, कि वो बार बार उठेगा और बैठेगा।
रहेगा। पशु एक जगह चैन से नहीं बैठेगा, थोड़ी देर बूहे बैठेगा, बाद में उठ जाएगा, फिर घूमने लगेगा खुटे पे और फिर से बैठ जाएगा। तो ये लक्षण भी उसमें जब वो हीट में आता है तब देखने को मिलता है। तो अब दोस्तों ये तो हो गया 10 लक्षण। अब ये 10 लक्षण जो है वो हर एक पशु नहीं दिखाता, या फिर कुछ में कम होते हैं कुछ में ज्यादा होते हैं। तो हीट के भी 3 प्रकार होते हैं, उसमें से पहला प्रकार है फुल हीट। फुल हीट यानी वो पूरा हीट में होता है। ये 10 लक्षण जो है वो प्रमुखता से दिखाता है पशु, तो आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि ये हीट में है। दूसरा होता है मीडियम हीट, उसमें भी ये सब लक्षण दिखाता है पर कम मात्रा में दिखाता है, हम डिटेक्ट कभी कभार नहीं कर पाते इन लक्षणों को, तो वो मीडियम हीट में आता है। और तीसरा जो प्रमुख है वो है साइलेंट हीट। आजकल देखिए दोस्तों यही सबसे बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि पशु जो है वो खुटे से बंधा रहता है, उसके साथ बुल नहीं होता, तो वो ज़्यादातर साइलेंट हीट में आ जाता है और हमें पता भी नहीं लगता कि वो हीट में आके चला गया। साइलेंट हीट को डिटेक्ट करना, पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने ये 10 लक्षण बताए हैं कि 1-2 लक्षण जो है ये देखिए, जब साइलेंट हीट में होगा ना पशु, तब ना ही वो बोलेगा, वो गूंगा होगा, ना ही बोलेगा, ना ही वो दूसरे पशु के ऊपर चढ़ने जाएगा और ना ही भागेगा। पर इन 10 में से कुछ ऐसे लक्षण है जो वो पशु दिखाता है, और वो कौन से लक्षण है और वो किस दिन दिखाता है, आइए आगे इस वीडियो में देखते हैं। तो 5 दिन का, जैसे मैंने आपको बोला था कि पूरा हीट साइकिल होता है 5 दिन का, तो उसमें से जो ओरिजिनल हीट होती है ना वो तो दोस्तों 30 आवर्स यानी 30 घंटे के लिए ही होती है, और उस 30 घंटे में भी हमें 12वें घंटे से लेकर 18वें घंटे के बीच में जो है वो AI करवाना होता है। तो कैसे पहचाने वो समय, आइए देखते हैं। तो देखिए पहले और दूसरे दिन पशु जो है वो डोका करने लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाउस करेगा, उसके थनों में मिल्क आ जाएगा, तो उससे आपको पता लग सकता है या अंदाजा आपको आ जाना चाहिए कि अब ये पशु जो है वो हीट में, 1-2 दिन में हीट में आने वाला है। तो शुरुआत के 2 दिन वो सिर्फ यही लक्षण जो है वो दिखाता है, दूसरे दिन वो व्हाइट डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर देता है। ये हीट साइकिल के दूसरे दिन डोका तो करेगा ही, पाउस तो देगा ही, पर साथ ही साथ जो है वो व्हाइट डिस्चार्ज, जैसे मैंने बताया था डिस्चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, उसमें से व्हाइट डिस्चार्ज देना स्टार्ट करेगा। और तीसरे और चौथे दिन जो हमारा ओरिजिनल हीट का टाइम होता है, उस दिन पे पशु जो है वो पारदर्शक डिस्चार्ज देगा। जी हाँ दोस्तों, पारदर्शक डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर देगा, और जो लक्षण मैंने बताए वो लक्षण उसमें धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, वो सभी लक्षण धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे। अब पशु साइलेंट हीट में है तो उसमें से कुछ लक्षण नहीं दिखाई देंगे, पर वो डिस्चार्ज तो अवश्य देगा, क्योंकि अगर पशु हीट में है तो उसे डिस्चार्ज तो देना ही देना है, ये आप लिख के ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये तीसरे और चौथे दिन, चौथा दिन आधा आप मान सकते हैं, तो इस 2 दिन के बीच के जो 30 घंटे होते हैं वो उसकी ओरिजिनल हीट होती है, और उस 30 घंटे में स्टार्टिंग जब होती है वहां से लेके 12 घंटे से 18 घंटे के बीच में हमें AI करवाना होता है। तो आपका सवाल होगा कि भैया क्या हम घड़ी लगा के बैठे कि ये पशु हीट, ओरिजिनल हीट कब स्टार्ट हुई, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, प्रमुखत्व मुख्यत्व जो है वो सुबह, यानी कि जो सुबह की शुरुआत होती है ना, तब और शाम के अंत के समय, ये 2 टाइम ऐसे है पूरे दिन में जब जो है ओरिजिनल हीट स्टार्ट होने के 90% चांस होते हैं। पशु जो है वो हीट स्टार्ट उस समय जो है वो करता है। तो आप, अगर आपके पास 10-12 पशु है या कितने भी पशु हो, आपको जिस पशु का भी लगे कि यह पशु अभी हीट में 1-2 दिन में आने वाला है या वो डोका करने लगा है, तो आप उसको देखिए, सुबह भी देख लीजिए और शाम को भी एक बार देख लीजिए कि वो डिस्चार्ज तो नहीं दे रहा। ये अगर पारदर्शक डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर वो पशु गूंगा है तो वो बोलेगा नहीं, जैसा मैंने कहा, वो दूसरे पशु के ऊपर चढ़ेगा नहीं, भागेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, पर ये पारदर्शक डिस्चार्ज जो है वो देना स्टार्ट कर देगा। और वो जिस वक्त स्टार्ट होता है ना, उसी वक्त उसकी ओरिजिनल हीट स्टार्ट हुई मानी जाती है। तो अगर वो सुबह स्टार्ट करता है तो आप AI शाम को करवा दे, यानी कि रात के समय करवा दे, और अगर वो रात को जो है वो ये स्टार्ट करता है तो दूसरे दिन सुबह आप AI भी करवा सकते हैं या बुल से क्रॉस भी करवा सकते हैं। तो ये जो चीज है
वो आप जरूर देख ले, तो तीसरे और चौथे दिन पारदर्शक डिस्चार्ज जो है वो देने लगता है, और पांचवे दिन जो है वो आखिरी दिन वो वाइट डिस्चार्ज दे के वो हीट से चला जाता है दोस्तों। तो ये पूरी उसकी हीट साइकिल थी। देखिए हम क्या करते हैं ना, वो हीट में आता है, थोड़ा बहुत लक्षण दिखाता है, हम AI करवा देते हैं, फिर पशु गाभिन नहीं ठहरता, या बुल से क्रॉस करवा देते हैं, पशु गाभिन नहीं ठहरता, क्योंकि हम उसकी हीट साइकिल को पहचानते नहीं, उसकी टाइमलाइन हमें पता ही नहीं है। तो ये पूरी टाइमलाइन हमें ध्यान में रखनी होती है। और अगर आप AI करवाने का सही तरीका जो है वो जानना, देखिए AI में बहुत कम चांसेस रहते हैं कि पशु गाभिन ठहरे, खास करके बफेलो में। भैंस में क्या होता है ना, बुल से ही क्रॉस करवाना पड़ता है, वरना AI में 40-50% चांसेस ही रहते हैं, और वो भी ठीक से कोई नहीं करवाता, इसीलिए वो चांसेस कम रहते हैं, वरना 70% चांसेस है कि आपकी बफेलो जो है वो गाभिन हो जाए, और वो तो बुल में भी 70-80% ही चांसेस रहते हैं गाभिन होने के, और उतने ही AI में है, पर AI करने का तरीका जो है वो सही नहीं होता। तो कौन सा तरीका सही है AI वर्कर्स के लिए भी, और हमें भी किस किस बात का ध्यान रखना है, जो पशु जब हीट में आता है और AI अगर हम करवाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम करवाना चाहते हैं, सीमेन रखवाना चाहते हैं, तो कौन सा तरीका जो है वो हमें अपनाना होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, अगर इस बारे में आप वीडियो चाहते हैं ना तो कमेंट ज़रूर करके बताएं, मैं इस बारे में पूरी डिटेल में वीडियो जो है वो आपको बना के दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए।